वेलकम बैक गाइस, नीता पीजी इंग्लिश, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम आपको कैन एंड कुड का यूज बताएंगे। कैन कहाँ पे यूज करेंगे एंड कुड कहाँ पे यूज करेंगे। बहुत मिस्टेक्स रहती है बच्चों में, ठीक है। आज इस क्लास को पढ़ के आप सारी मिस्टेक्स को दूर करेंगे। लेकिन प्लीज आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, नीता पीजी इंग्लिश को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। इसकी हिंदी में क्या पहचान होती है? कैन और कुड कहाँ पे लगाया जाएगा? कोई जैसे सकता शब्द आ जाए, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। एंड कुड का यूज सकता था, सकती थी एंड सकता था, वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। समझ में आ गया? इतना तो आ गया होगा कि कहाँ पे हमको कैन का यूज करना है, कहाँ कुड का यूज करना है। या फिर बोलने वाली इंग्लिश आप इसको सीख के आसानी से इंग्लिश बोल सकती हो, ठीक है। अब कोई भी ऐसे सेंटेंस, मैं बाजार से आ सकता हूँ, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, क्या, ठीक है, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, आप बोलते हो मैं पढ़ सकता हूँ, टीचर बोलेगा तुम नहीं पढ़ सकते हो, मैं पढ़ सकता हूँ। तो जहाँ पे सकता, सकती, सकते, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, देखो दोनों में डिफरेंट है, कितना बड़ा है। सकता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हम, जहाँ सकता शब्द आ जाएगा वहाँ पे हम कैन का यूज कर देंगे एंड कुड का, ठीक है। अब कोई भी एक सेंटेंस दे दो, चाहे जो ले लो, मैं बाजार जा, एक मैं ले रही हूँ, मैं बाजार जा सकता हूँ, मैं बाजार जा सकता हूँ। तो इसमें आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, एक वो भी बना सकते हो इसमें, सब्जेक्ट कैन या फूड ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा, सब्जेक्ट कैन या फूड। अब ये तो पता है कि कैन और फूड कहाँ पे लगेगा, कैन और फूड या ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, क्या है? आई, ठीक है, क्या हो जाएगा? आई के साथ किसका यूज बताया गया? एम का। लेकिन जब सकता है, सकती है, तो क्या होगा? आई कैन, कैन, सॉरी, कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ठीक है। आई कैन गो टू मार्केट, आई कैन गो टू मार्केट, सब्जेक्ट कैन या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है आपको, ठीक है। तो आसानी से बोल सकते हो मैं बाजार जा सकता हूँ। आपसे पापा पूछे आप बाजार जा सकते हो, हाँ मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट, ठीक है। ऐसे आप इसको बोलचाल के भाषा में यूज करिए। इन सेंटेंस को कॉपी में नहीं करना है, इनको अपने दैनिक जीवन में यूज करना है, तभी आपकी इंग्लिश जो है स्ट्रांग होगी। अब एक देखो, इसी को हमें लेते हैं, जा सकता था, मैं बाजार जा सकता था, जा सकता था, ये मैं बाजार जा सकता था, तो क्या हो जाएगा? आई कुड गो टू मार्केट, है ना ये जी? आई कुड गो टू मार्केट, वेरी इजी, कैन एंड कुड का यूज। आई कैन गो टू मार्केट, आई कुड गो टू मार्केट, ठीक है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। और जैसे आई कैन गो टू, आई कैन, मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट गो टू मार्केट, नो गो टू मार्केट, आई कुड नॉट गो टू, नो गो टू मार्केट, कुछ ही हो सकता है।
नॉट या नो, ठीक है। आई कुड नो गो टू मार्केट, नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे क्या मैं बाजार जा सकता था, क्या मैं बाजार जा सकता था, तो इसमें क्या बोल दोगे, कुड, क्या मैं बाजार जा सकता, कुड आई गो टू मार्केट, कुड आई गो टू मार्केट, मैं क्यों बाजार जा सकता था, तो क्या हो जाएगा, मैं क्यों, हाई कुड, हाई कुड आई गो टू मार्केट, ठीक है। ऐसे ही आप वो सिक्स टाइप बना ही लेते हो, सिक्स टाइप बना लोगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस को मैं बाजार जा सकता हूँ, मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, मैं क्यों बाजार जा सकता हूँ, क्या मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ, मैं बाजार क्यों नहीं जा सकता हूँ, ओके। ये आप सिक्स टाइप से बना के बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे सकता है सकती है, कोई भी सेंटेंस लेके तुम बाजार जा सकते हो, वे बाजार जा सकते हैं, या मैं जा सकता हूँ, या रमन जा सकता है, ठीक है, राम सीता जो भी हैं, जो बाजार जा सके, जो पढ़ सकते हैं, जो भी आप सेंटेंस लेना, एक सेंटेंस ले लो, बस उसके शिक्टाइज बना डालो, आपको बहुत दीजिए, और इसको अधिक से अधिक आप बोल चाल की लैंग्वेज में यूज करिए, जितना अधिक हो सके उतना आप बोल चाल की लैंग्वेज में यूज करेंगे, तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। ये नहीं है कि बस कॉपी में नोट्स बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए, बस इसको हमको आपस में बोलना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे बहुत बड़े अंग्रेज बने हो, दो चार सेंटेंस बच्चे बोल देंगे ना लोकल एरिया में, अरे बहुत बड़े अंग्रेज हैं, थोड़ी उनको अंग्रेजी क्या आती है, बहुत बड़े अंग्रेज हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी आपको, इंग्लिश सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट, एंड आजकल तो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कंपनियाँ बड़े बड़े उसमें ज्वाइन करोगे, बड़े बड़े एग्जाम दोगे, ठीक है, तब आपकी इंग्लिश क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके लिए आप इंग्लिश पढ़िए, ओके। वॉच माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सुनीता पिंजे इंग्लिश, वेरी 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 थैंक यू।